गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसको देखो वो ये चाहता है कि कोई ना कोई ठंडा सा ड्रिंक पीने को मिल जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े का ठंडा ठार ड्रिंक बनाकर दिखाऊंगी कि आप जब इसको बनाकर पियेंगे तो बिल्कुल अंदर से आपका सारा जो है बॉडी टेम्परेचर वो ठंडा ठार हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं सना सीक्रेट रेसिपीज़। यहाँ देखिए मेरे पास है लोकार्ट, गर्मियों की स्पेशल सौगात। गर्मियाँ आती हैं तो कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो पूरा साल नहीं आते, यानी कि जो एप्पल है, बनाना है, अनार है, ये पूरा साल आते हैं, लेकिन गर्मियों की सौगात जो है वो है लोकार्ट, फालसा, स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो और भी हमने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जिसमें हमने आपके साथ शेयर की हुई है आड़ू का जूस है, फालसे का जूस है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी शेक है। तो आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं लोकार्ट का जूस कैसे बनाते हैं। अक्सर लोग लोकार्ट को तो एज इट इज़ खाते हैं, आज हम जूस बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं लोकार्ट का आप छिलका भी रिमूव करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको पल्प्स पीने में अच्छे नहीं लगते, तो वो इस तरह इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। और मेरे पास है तकरीबन 150 ग्राम लोकार्ट। लोकार्ट जितनी भी आप फ्रेश ले लें मार्केट से, इसी तरह की होती है, उसके ऊपर हल्के फुल्के से निशान दाग वगैरह होते हैं, तो ये तो इसकी ही पहचान है, लोकार्ट की ही पहचान है ये। तो छिलके हमने सारे उतार लिए हुए हैं। अब इसके अंदर अगला प्रोसीजर जो है वो है गुठलियाँ रिमूव करने वाला। अच्छी तरह से गुठलियाँ और जोड़, जिसके इसके जितने भी जोड़ वगैरह हैं वो सारे उतार लेते हैं। इस तरह से हमने इसके दो दो पीसेस करके सारी इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब और फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाली हैं बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़। चलें जी, लोकार्ट वाला काम तो हमारा हो गया, गिटलियाँ वगैरह निकल गई। अब हमने यहाँ एक जग ले लिया है और इनको उस जग में हमने शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट कर देने के बाद मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी अब आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक डालनी है। लोकार्ट का अपना टेस्ट भी खट्टा, मीठा और सॉल्टी होता है। चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं कि आप रहने दें, चीनी नहीं भी डालनी। तो एक चुटकी से ज़्यादा इसमें नमक नहीं डालना, चुटकी नमक डालना है बस। नमक का ये एडवांटेज है, ये फ़ायदा है कि जो लोकार्ट के अंदर खटास है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ देखिए जी, जग हमारा चल चुका है। पानी अभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, पानी के बग़ैर मैंने इसको बनाया है। एक से दो बार हमने इसको क्लिक करके चला कर देखा है। और अब यहाँ देखें, पानी मैंने इसके अंदर हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। ये देखें, पानी आधे गिलास से भी थोड़ा पानी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ये इसका अपना ही सारा जूस है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बहुत ही ज़्यादा आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स के साथ ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही चिल्ड होकर बनेगा। ये देखें, उसके अंदर आइस क्यूब सारी क्रश हो चुकी हैं और हमारा जूस तकरीबन रेडी है ग्लास में सर्व होने के लिए। तो यहाँ हम इसको ग्लास में सर्व कर देते हैं। लोकार्ट कलर अपना बहुत जल्दी चेंज करती है, चाहे वो रॉ हो या चाहे जूस हो, तो इसको फ़ौरन इस्तेमाल करना है। इसको आपने फ्रिज में या फ्रीज़र में सेव नहीं करना। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गर्मियों में ठंडा ठंडा लोकार्ट का जूस। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वॉच ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।